तो दोस्तों जिस भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल बनना है, सबसे पहले आप लोग उनसे सीखो जो उस फील्ड में टॉप पे है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने आपको बहुत बड़े बड़े क्रिएटर के बारे में बताया था कि वो किस तरीके से काम करते हैं और आपको भी किस तरीके से काम करना है। लेकिन आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को बड़े नहीं बहुत बड़े क्रिएटर के बारे में बताने वाला हूँ और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है और ग्रो करना है। तो हमारी जो लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है विवेक इवांस भुवन बाम। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं नए क्रिएटर के बारे में। वन एडवाइस यू वुड गिव टू एवरी कंटेंट क्रिएटर, एस्पायरिंग क्रिएटर, भेड़ चाल मत करो, कर लो ऐसे, आजकल वही तरीका है। पर करो, लेकिन वैसे करना कि तुम ना खो जाओ उसमें। फिर सिर्फ क्रिएटर्स के लिए कह रहा हूँ मैं बात, कि ऐसे मत हो जाना कि लोग तुम्हें सिर्फ वो ट्रेंड की वजह से जा कि ऐसा ट्रेंड आया था उसमें इसने वीडियो बनाई, मतलब कोई तुम्हारा नाम सुने तो बोले अरे यार इसका तो वो है ना जिसने जो वो बनाया था, वैसा होना चाहिए। तो आप हो यूनिक, मतलब बहुत हर बंदा ऐसा, कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई नॉन क्रिएटिव बंदा पैदा हुआ है। सबके दिमाग में कीड़ा है, स्पेशली हमारी जनता में तो बहुत कीड़ा है, सबके तिगड़म चलते हैं दिमाग में, आइडियाज आते हैं, वो है आपके अंदर। अगर आपको मिला है मौका, प्लेटफॉर्म है आपके पास, या आपको अगर मन है तो आप बनाओ और अपने मन का ही बनाओ। पर ऐसा कुछ होना चाहिए कि यू ओन दैट थिंग, यार दिस इज माइन, दिस इज सोलली माइन। वो नहीं हुआ ना अगर आपके पास, तो कोई हर्ज भी नहीं है, तो आप बनाओ जो सब बना रहे बनाओ, पर फिर देखना कब तक बना सकते। ओके, तो भुवन बाम सर ने कहा कि आप जो बना रहे हो वो बनाते रहो, लेकिन कुछ अलग बनाओ, कुछ हटके बनाओ। अगर आप लोग सेम टू सेम भुवन बाम सर के जैसा ही अगर आप लोग वीडियो बना देते हो, तो भुवन बाम सर तो पॉपुलर है, तो लोग उनके ही वीडियो देखेंगे, आपकी वीडियो क्यों देखेंगे। तो इसलिए जो भी बना रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ अलग बनाओ, कुछ हटके बनाओ। तो हमारे जो लिस्ट है, इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर आता है एशिया के सबसे टॉप क्रिएटर कैडेमिनाटी। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं कैडेमिनाटी सर जी आपके बारे में। मैं भी आज की डेट में सर ऑनेस्टली वो बात है कि आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है जितना जब हमने स्टार्ट किया था तब था। कुल वो तो फैक्ट है, कितना आप कितना ही कर लो वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। यस, और ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग सेम आप मान लो, और जितना डिफरेंट भी है उसका भी सेम तरीके का कॉन्टेंट ऑलरेडी बना रहे हैं, तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। Yes. तो अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज़ आती है ना, और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है, सही बताऊँ तो वो करेगा ना तो अपने आप वो ग्रोथ हो। जबरदस्त, क्या बात कही है कैडेमिनाटी सर ने। उन्होंने कहा है जो आपके दिमाग में आता है और आपको लगता है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, तो आपको वही काम करना है, तभी आपको सक्सेसफुल मिलेगी। हमारे पास कैडेमिनाटी का एक और क्लिप है, तो सबसे पहले हम उस क्लिप को भी देख लेते हैं। कुछ अलग किया है तो वो क्या चीज़ है? आई थिंक अगर यूट्यूब पे तुम्हें टिकना है, एक चीज़ होती है ग्रोथ वर्सेस एक होती है स्टेबिलिटी। तुम्हें चाहिए स्टेबिलिटी। अगर मेरे को, मैं बोलूँ कि मेरे को 50 मिलियन दे दो सब्सक्राइबर्स दो महीने के अंदर, उसके बाद मेरा चैनल बंद कर दो, वर्सेस मेरे को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स दो, ठीक है, एक साल में हर पाँच, तो तुम क्या प्रेफर करोगे? स्टेबिलिटी, यू नीड स्टेबिलिटी, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो तुम्हें इवॉल्व करते रहना चाहिए हमेशा। चप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्राई नए, बहुत लोग डरते हैं बिकॉज फेल होते हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे भी बहुत हैं। मेन अपना जो थिंग है उसे पकड़ो, लेकिन इवॉल्व भी करो। तो अब तक आप लोगों को कैडेमिनाटी और भुवन बाम ने अपने एडवाइस दी है, लेकिन मेरे को तो दोनों का एडवाइस सेम ही लगा। उन्होंने बताया है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको इम्प्रूव करना है, मतलब कि हमेशा कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करके नया करना है और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है। उसके बाद हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर पे आते हैं संदीप महेश्वरी सर। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं नए क्रिएटर के बारे में। तो अगर आज आपको समझना है कि इंडिया में ऐसा क्या किया जाए जो सबसे अलग हो, तो आपको क्या करना है? एज सिंपल एज इट मे साउंड, आपको देखना है कि यूएस में, यूके में और जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग यूट्यूब पर ऐसा क्या कर रहे हैं जो अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। इसको गैप बोलते हैं। अगर आप ये देख पाओ और उसको इंडियन वे में कर पाओ और अपनी एक पहचान बना पाओ जो औरों से अलग हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। ओके, तो ये बहुत तगड़ा बात कहा है संदीप महेश्वरी सर ने। उन्होंने बताया है कि यूएस में, मतलब कि ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है जो इंडिया में नहीं हो रहा है अभी तक, तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा एक्सपेरिमेंट करके हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करना है और अपने इंडिया को और भी ज़्यादा पॉपुलर करना है जिससे इंडिया टॉप पे आ जाए। तो ये सब था कुछ पॉपुलर क्रिएटर। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, अगर आप लोग किसी भी काम को करते हो तो उसे सच्चे मन से करोगे तो उसमें सक्सेसफुल मिलती है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो तो हमेशा किसी न किसी का कॉपी मत करो, उसका वीडियो देखो लेकिन उससे आइडिया लगाओ, लेकिन उससे कुछ ना कुछ हटके, मतलब उसके जो बताने का तरीका है उससे अलग बनाओ।
आई होप, मुझे उम्मीद करता है आपको हमारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगे कि कैसे आपको सोशल मीडिया पे काम करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं आप नीचे कमेंट बताएं। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को समाप्त करते हैं।